बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूरिस्टिक सर्च है, जिसमें हम 8 पजल्स को सॉल्व करेंगे। तो ह्यूरिस्टिक, आपको पता है ह्यूरिस्टिक सर्च किसको बोलते हैं? जिसमें हम इन्फॉर्म्ड सर्च को लेकर चलते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन होता है, उसकी बेस पे हमने अपने गोल को फाइंड आउट करना होता है। अनइन्फॉर्म्ड कौन सी थी? जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम स्टेप्स मूव करते रहते हैं, अपने गोल को फाइंड आउट करते रहते हैं, और कितने स्टेप्स में फाइंड आउट होता है ये हमें नहीं पता और ना ही हम बता सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्म सर्च में हमें गोल गिवन है, लाइक दैट। ये देखें, हमारे पास निचली ये एक प्रॉब्लम है, स्टेट गोल स्टेट क्या है हमारे पास, हमने इसको इस शेप में लाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी के हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको 8 पजल्स आपने ये छोटे होते खेली भी होगी, और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो हमने इस जो पजल्स नंबर हैं, जो मिसप्लेस नंबर्स हैं, उनको हमने इस करेक्ट गोल पोजीशंस पर लाना है। किस तरह लाना है वो, उसके कुछ रूल्स हैं तो वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीजर लोकेशन फॉर ईच टाइटल, एंड ऑपरेटर्स कौन कौन से होंगे? मूव एम्प्टी स्क्वेयर अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी एम्प्टी स्क्वेयर को हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। इट्स मीन्स कि हम नंबर को आपस में जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस को ही मूव करेंगे। और डेफिनेटली किस लिए करना है, गोल स्टेट एज गिवन, गोल स्टेट के अकॉर्डिंगली हमने इसको एज इट इज बनाने के लिए मूव करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा पॉइंट सेंटर में है, एम्प्टी सेट का जो स्टेट है वो सेंटर में है, तो आपके पास 4 पॉसिबल पाथ आएंगे। नई जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस मतलब बनेंगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम ब्लैंक स्पेस को अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास ये पोजीशन आ जाएगी, और अगर राइटवर्ड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी, लेफ्ट करते हैं तो 6 इधर आ जाएगा, राइट करते हैं तो 5 इधर चला जाएगा, ब्लैंक इधर आ जाएगी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जब हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस है अगर दरमियान में मौजूद हो, यानी सेंटर में, अगर लेफ्ट साइड पे हो, राइट पे हो, अप हो या डाउन हो, तो हमारे पास 3 चांस होते हैं ब्लैंक स्पेस को मूव करने के। कैसे, देखें, अगर हमारे पास अपवर्ड फर्स्ट रो में है ब्लैंक स्पेस, को हम डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगर लास्ट में है तो क्या कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर है लाइट साइड, अप डाउन कर सकते हैं और राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर है तो अप डाउन कर सकते हैं और राइट जा सकते हैं। फिर यहाँ रही इस सूरत हाल में हमारे पास 3 3 पोजीशंस आती हैं। अगर हमारे पास हो सेंटर में तो हमारे पास 4 पॉसिबल पाथ आ जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि 8 पजल्स गेम में अप्रोचेस में आपको बता चुका हूँ 3 फैक्टर वाली कौन कौन सी होंगी। एवरेज सोल्यूशन इसकी कॉस्ट क्या होती है, 22 स्टेप्स होती है। एग्जॉस्टिव सर्च वुड लुक एट अबाउट के 3 की पावर 22 करें, क्यों, और इस नंबर ऑफ स्टेट्स हैं आ सकती हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। फिर डिस्टेंस क्या होगा, रीचेबल 9 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाय 2 है। वी नीड अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन दैट नेवर ओवर एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप्स टू गोल। तो हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे। ह्यूरिस्टिक फंक्शन आप लोगों को याद होगा क्या उसका फार्मूला था, बस सिंपल सी एक लाइन थी, एफ ओ फैन इज इक्वल टू जी ओ फैन प्लस एच ओ फैन। हमने इसको ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम में भी किया है, ए स्टार एल्गोरिदम में भी किया है। तो अब 8 पजल में भी हम इसको करेंगे। फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, H1 क्या होगी, कि अब आपने देखना ये गोल स्टेट है या आपके पास प्रॉब्लम स्टेट है। इसके नंबर कौन कौन से हैं जो सेम पोजीशन पर हैं और कौन से सेम पोजीशन पर नहीं है। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सारे के सारे गोल स्टेट की किसी एक नंबर की भी पोजीशन सेम नहीं है, तो डैट्स वाई यहाँ पर जो मिसप्लेस नंबर्स होंगे वो टोटल पोजीशन क्या होंगे, 8। अगर एक या दो जितने सेम होंगे तो हम 8 नंबर में से उसको निकाल देंगे, उतने बता देंगे। लेट्स सपोज 2 यहाँ पर है, अगर ये वाला 2 भी यहाँ पर होता तो इट्स मीन्स 2 अपनी पोजीशन पे है, गोल की सेम पोजीशन पे है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मिसप्लेसेस कितनी बच जाती है, यहाँ पर 7, ठीक है, टोटल 8 होती हैं। तो अब H1 इज एडमिसिबल रिस्ट्रिक्ट सर्च बिकॉज एनी आउट ऑफ प्लेस टाइटल मस्ट बी मोर एडवांस। हम मूव कर सकते हैं। द बेस्ट मूव क्या होगा हमारे पास, विद द लोएस्ट नंबर ऑफ रिटर्न बाय द रिस्ट्रिक्ट, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन में पुट करने के बाद वैल्यू में जो मिनिमम आंसर आएगा वो हमारे पास बेस्ट मूव होगा। तो मैंने लास्ट में पूछा था कि बेस्ट मूव कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमने यही देखा था कि
यहाँ पर हमारे पास ये पोजीशन आ गई, किन पोजीशन को एक्सप्लोर किया जाए जो हमारे पास बेस्ट हो, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी वही हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, ये एच टू क्या है, सेकेंड अप्रोच क्या है हमारे पास, के सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द टाइटल फ्रॉम इट्स गोल पोजिशन, के गोल पोजीशन से जो टाइटल है वो कितने दूर है, कितना डिफरेंस है। डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड सिटी ब्लॉक डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस से या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास सेम पोजिशन में है, मतलब जो नंबर हैं वो, उसके लिए हम डिस्टेंस क्या काउंट करेंगे, जीरो। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला है मैं आपको दिखा दूं, वो मैनहट्टन है। मैनहट्टन क्या करता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर अलोंग एक्स एक्सिस एट राइट एंगल इन अ प्लेन प्लेन पी वन एट एक्स वन वाई वन एंड पी टू एक्स टू वाई टू, और हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्स वन माइनस एक्स टू बार प्लस वाई वन माइनस वाई टू बार। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिलोंग। यहाँ पर पहले पॉइंट पर हमें एक्स वन वाई वन मिलेगा दो वैल्यू, और दूसरे पॉइंट पर हमें एक्स टू और वाई टू मिलेगा। तो आप देखें एक्स वन हमारे पास क्या है, वन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अगेन जो होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, जो वाई एक्सिस के अगेन होगा वो क्या होगा, वाई वन होगा। तो एक्स वन हमारे पास क्या मिला, वन, तो मैंने यहाँ पर वन रख दिया। y1 क्या मिला हमारे पास, 2, तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। अब x2 क्या मिल रहा है, 3 माइनस 3 5, तो इट्स मीन्स x हमारा कितना है 3 और y कितना है 5, तो x 2 की जगह हमने क्या रख दिया 3, 1 माइनस 3 कितना आ गया 2, तो आंसर यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ। और जो बार क्या करती है, ये माइनस वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देती है, बार का काम सिर्फ इतना ही है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 क्या था 2 और y2 हमारे पास क्या था 5, 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। ये मैनहट्टन डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। अब आपने देखे हैं कि नंबर वन के लिए आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर वन कॉलम होगा, मैं आपको राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नंबर वन कॉलम है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, ये रोज हैं, वन कॉलम, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हैं, लेकिन हम इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलोंग है और ये वाई एक्सिस के बिलोंग है। ठीक है, इस तरह हमारे पास चलेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। आप देखें x1 हमारे पास y1 का पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इनिशियल स्टेट से मिलेगा। वो x2 और y2 का पॉइंट हमारे कहाँ से मिलेगा, गोल स्टेट से मिलेगा। तो x1 y1, तो 1 को लेके जाना है, तो ये पहली दूसरी एंड तीसरी, तीसरी रो में हमारे पास y2 आ जाएगा, x1 y1 आ जाएगा, और x1 भी क्या होगा 3, क्योंकि ये 3 रोज और 3 कॉलम में है। यहाँ पर 3 रोज, पोजीशन क्या है वन की, थ्री रो, तीसरी रो में है और कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में। इट्स मीन्स हमारे पास एक्स वन भी थ्री है, वाई वन भी थ्री है, तो मैंने यहाँ पर एक्स वन भी थ्री रख दिया, वाई वन भी थ्री रख दिया। ओके, अब एक्स टू और वाई टू कैसे कैलकुलेट करना है, कि गोल पोजीशन कहाँ लेके आनी है, गोल पोजीशन लेके आनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास वाई वन क्या आ जाएगा, वाई टू क्या आ जाएगा, हमारे पास y2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1 और 2, y2 को क्या लिखा मैंने 2 और y1 y2 रख दिया हमने। अब देखना है x x2 कितना आएगा हमारे पास, x2 हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये हमारे पास x2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x की जगह हमने क्या रख देंगे, सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉलम क्या रहा हो क्या है 1, x2 की जगह हमने क्या रख दिया 1। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। तो ये पहला डिस्टेंस फाइंड आउट निकल आया। तो आपने फार्मूला के ज़रिए निकालना है, फिर बताना है। मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ कि शॉर्टकट आंसर कैसे आएगा। आप ये वैल्यूज़ को भी इस फार्मूला में पुट करके देखिएगा, आपके पास आंसर यही आएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आप देखें
टू के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, किसके लिए, टू के लिए, तो टू यहाँ पर है प्रॉब्लम स्टेट में, गोल स्टेट पर यहाँ पर है, इट्स मीन्स वन स्टेप मूव करो तो गोल स्टेट पर पहुंच जाएगा, तो मैंने यहाँ पर वन लिख दिया, लेकिन आपने फार्मूला से निकालना है, ठीक है। फिर अब फोर के लिए देखें, फोर यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास गोल स्टेट में, तो इट मीन्स वन एंड टू, तो यहाँ पर मैंने टू लिख दिया। अगर हम यहाँ से जाते हैं वन एंड टू तो भी, यहाँ से जाते हैं वन एंड टू यहाँ तो भी, क्योंकि गोल फोर यहाँ पर है, हमने यहाँ लेकर आना है वन एंड टू, यहाँ से जाएंगे तो वन एंड टू, टू लिख दिया। इसी तरह फाइव, फाइव यहाँ पर है हमारे पास और लेकर यहाँ आना है, तो इट्स मीन्स ये स्टेट भी क्रॉस करनी है, इसमें ये भी वन एंड टू, तो टू आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर टू लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट होता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रेज कर दूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम इस तरह आपने कैलकुलेट करना है, मैंने तो आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया ना कि नंबर ऑफ मिसप्लेस को क्या करो, काउंट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा कि किस तरह है। अब एट को देखें, एट हमारे पास यहाँ पर है प्रॉब्लम स्टेट में, कहाँ पे, यहाँ पर है, तो इसमें इसने यहाँ आना है, तो वन एंड टू, तो लास्ट वाला क्या है, टू, इन सब की जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट कर लें, तो हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 18। मतलब हमें 18 स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखें कि लास्ट लाइन क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन द डेस्टिनेशन इज जीरो। किस सूरत में जीरो डेस्टिनेशन होगी, जब एक्यूरेट पोजीशन पर हमारे प्रॉब्लम स्टेट का नंबर और गोल स्टेट का नंबर पड़ा होगा, तो उस सूरत में हम जीरो लिखेंगे। तो मैंने डिस्क्राइब कर सके, अब एट पजल को हमने सॉल्व करना है हॉलिस्टिक फंक्शंस के जरिए, जिसमें हमने फार्मूला पढ़ा था एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या होगा, नंबर वन स्टेप, यानी एक स्टेट से अगली स्टेट पर जाने के लिए कॉस्ट, तो ये फर्स्ट स्टेप लेंगे। तो प्रॉब्लम हमारी ये थी, तो ब्लैंक स्पेस को हमने मूव किया, तो अपवर्ड जा सकती है, राइट लेफ्ट जा, तीनों पोजिशंस मैंने बना ली, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जी ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, एक स्टेप ले चुके हैं तो जी ऑफ एन की वैल्यू होगी वन, एच ऑफ एन क्या होगा, वही मिसप्लेस काउंट कर लें, तो मिसप्लेस इसकी और इसकी फाइव है, और एक हम क्या करेंगे, जी ऑफ एन की वैल्यू ऐड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। इसी तरह इसकी मिसप्लेस गोल स्टेट से थ्री है, और एक जी ऑफ एन ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, फोर। तो इन सब में से जो छोटी वैल्यू है फोर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने का मतलब है कि इसको दोबारा एक्सप्लोर करेंगे, ओके। एक्सप्लोर किया तो हमें पता चला हमारे पास फाइव फाइव टू आंसर आ रहे हैं, सिक्स आ रहा है, तो दोनों छोटी इक्वल हैं, अप टू यू, आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें या इसको एक्सप्लोर करना चाहें, दोनों को एक्सप्लोर करके देखेंगे, जिसकी नंबर ऑफ मिसप्लेस कम होंगी हम उसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला सिक्स और सेवन, यहाँ से हमें मिला था सेवन और इस मीन्स हमें यहाँ से मिला है फाइव, तो हम इस फाइव को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इसको एक्सप्लोर किया तो हमारे पास आया फाइव, फाइव कैसे आया, नंबर ऑफ मिसप्लेस इसकी काउंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर भी होता रहे। देखें वन भी अपनी जगह पे, टू भी अपनी जगह पे, थ्री भी अपनी जगह पे, फोर भी अपनी जगह पे, फाइव भी अपनी जगह पे, सिक्स भी, सेवन भी, तो क्या रह गया, एट रह गया, एट रह गया। तो एट की तो मिस्टेक हमारे पास वन है, तो यहाँ पर फाइव क्यों आया है, क्योंकि हमने जी ऑफ एन कितना ऐड किया है, फोर। जी ऑफ एन क्यों फोर किया, हमने वन टू थ्री एंड फोर स्टेप ले लिया, डेट्स वाई वन मिस्टेक थी, एच ऑफ एन वन और जी ऑफ एन कितना है हमारे पास फाइव। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ सिनेरियो चलेगा। फिर नेक्स्ट वन देखें कि गोल स्टेट पर लेकर आ रहा है, सेम एज इट इज़ हो गई, और इसकी कॉस्ट कितनी आई है, फाइव। फाइव क्यों आई है, क्योंकि एच ऑफ गोल स्टेट पर एच ऑफ एन जीरो होता है, और जी ऑफ एन हम जितने नंबर ऑफ स्टेप मूव करके आ गए हैं वो हमारे पास जी ऑफ एन होगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। फाइव आए तो प्लस जीरो करेंगे तो फाइव आंसर आ जाएगा। इट्स मीन्स ये जो प्रॉब्लम थी हम इसको फाइव स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पेज पर ड्रा करके सॉल्व करना चाहें तो इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएगी और काफ़ी टाइम आप लोगों का कंज्यूम हो जाएगा। ए स्टार एल्गोरिदम कह लें और एट पजल्स कह लें, ये बहुत सी गेमिंग प्रोसीजर में यूज़ हो रही है, बहुत सी एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।